बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप YouTube वीडियो के लिए थंबनेल को कैसे डिज़ाइन करेंगे, और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो कि ज़रा सी भी डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं रखते, तो वो इजीली कैनवा को यूज़ करके तो YouTube थंबनेल, चाहे वो अपनी वीडियो के लिए बना रहे हैं, चाहे वो किसी और की वीडियो के लिए बनाकर उसको दे रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कैनवा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा आगे चल के। पहले हम लोग आपको डिज़ाइनिंग सिखाएंगे कि डिज़ाइनिंग यहाँ पे कैसे करनी है, उसके बाद हम लोग इससे अर्निंग कैसे करनी है वो भी इसी कोर्स के एंड पे आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बेसिकली यूट्यूब थंबनेल है क्या? जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसे वीडियोज़ आती हैं और इनके इमेजेस आपके सामने आ रहे होते हैं। बेसिकली इन इमेजेस को YouTube थंबनेल कहते हैं। जितने भी इमेजेस आपके सामने शो हो रहे होते हैं ये YouTube थंबनेल इनको हम लोग कहते हैं। और आप लोग कह रहे होंगे कि इससे हम लोग अर्निंग कैसे करेंगे? अगर आप लोगों का अपना कोई चैनल नहीं है तो फिर आप YouTube के थंबनेल बना के तो उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं? तो उससे अर्निंग करने का, अगर आपका YouTube का चैनल नहीं है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप लोग फाइबर पे जाएं। तो फाइबर पे आप जब यूट्यूब थंबनेल सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखें कि बेशुमार लोग हैं, यानी 21,539 लोग इस टाइम अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं। और वो क्या सेल कर रहे हैं? वो सिर्फ लोगों को ये सेल कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, मैं 2 घंटे में आपको बना के दूंगा, मैं तीन घंटे में बना के दूंगा और इतने में चार्जेस लूंगा। तो लोग वहां पे क्लिक बना के अपने ये YouTube थंबनेल डिजाइन करके लोगों को दे रहे हैं, उनसे पैसा कमा रहे हैं। तो हम लोग आते हैं कैनवा पे। जैसे ही आप कैनवा के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे फॉर यू, यहाँ पे जाके आप देखेंगे YouTube थंबनेल लिखा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पर सोशल मीडिया पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे आ जाएगा YouTube थंबनेल। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट नहीं की, तो यहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेशुमार टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी, और यहाँ पे ऊपर कैटेगरीज भी मिल जाएंगी। अगर आप वीलॉग का चैनल है किसी का तो आपने उसके लिए कोई भी बनाना है यूट्यूब थंबनेल तो उसके लिए अलग से आपको मिल जाएंगी। इसके उसके आगे भी है, फूड के बारे में कोई करना है, ट्रैवलिंग के बारे में करना है, और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड किसी का चैनल है तो उसके लिए आपने अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट बनाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे टेम्पलेट्स बहुत सी हैं। तो किसी बंदे ने यूट्यूब पे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अपना चैनल बनाया हुआ है और उस पर वो वीडियोस बनाता है और वो आपसे कहता है कि मेरा ये ऑनलाइन अर्निंग का एक चैनल है और इसकी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आपने इसके बारे में मुझे थंबनेल एक अच्छा सा डिज़ाइन करके दें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी। तो ये देखें, यहाँ एक मेक मनी, ये देखें ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से चेंजिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से चेंजिंग्स कर सकते हैं, जो भी आपने मेक अगर अमाउंट चेंज करनी है, आपने इसको 500 करना है आपने, वन आवर करना है, इसका आप यहाँ से साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके भी आप जैसे चाहे मर्जी, आप यहाँ पे 100% वेरीफाई लिखा हुआ है, आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट अपना, यानी कि आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल लिखेंगे तो उससे मुतलक आपको यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, आप वो वाले भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें,
100% जेनुअन है, डो नॉट कॉपी है, सेंट है, पेड है, यानी हर तरह के एलिमेंट्स आपको जैसे भी आपको यूज करने हैं आप वो कर सकते हैं। यहाँ से आप ये एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप चैनल का लोगो, कोई भी किसी किस्म का लोगो अगर आपके पास है तो यहाँ से फाइल उसकी अपलोड करेंगे, उसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो आपका वो चैनल का लोगो भी इधर आ जाएगा। यहाँ से अगर बिलफर्ज आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने है, आपने जो भी कलर रखना है आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इमेज को छोटा बड़ा जैसे भी आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की जो आपको वो बोलेगा उसकी डिमांड क्या है, जैसे वो आपसे डिमांड करेगा आपने उस हिसाब से यहाँ पे आके टेम्पलेट्स में आना है, यहाँ पे टेम्पलेट्स में सर्च करना है। अगर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है तो यहाँ पे अर्निंग आप सिंपल टाइप करेंगे तो अर्निंग के हवाले से जितनी भी टेम्पलेट्स हैं आपके पास वो आ जाएंगे। अगर आपको कहता है कि नहीं एजुकेशन का कोई चैनल है उसका, तो एजुकेशन टाइप करके तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी थंबनेल हैं वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे। बिलफर्ज कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके बारे में वो कर रहा है तो यहाँ पर आपको सेल के हवाले से जितनी भी टेम्पलेट्स हैं वो मिल जाएंगी आपको। देखें सेल के हवाले से जितनी भी हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो सिंपल आपने आपने उससे पूछना है कि आपके चैनल का नीच क्या है। जो भी बंदा आपको अगर ऑर्डर देता है कि मुझे थंबनेल डिजाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके चैनल किस बारे में है, वो चैनल किस बारे में है, उसके बाद जो वीडियो जिसके लिए वो थंबनेल डिजाइन करवा रहा है वो किस बारे में है। तो ये दोनों चीजें जब आपको पता होंगी तो फिर आप इजीली उससे लेटर उससे हेडिंग वगैरह पूछ लेंगे आप कि हेडिंग वगैरह क्या देनी है आपने, वीडियो का टाइटल क्या है, वो टाइटल आप यहाँ पे आके उसको पेश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने इसके फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट्स की पूरी लिस्ट है, यहाँ पे आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो कैनवा बहुत ही इजी है, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जो आपको बेशुमार ऑप्शन देता है आपकी मर्जी के मुताबिक के आप अपनी मर्जी से उस डिजाइन को किसी भी तरह से किसी भी एंगल से आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो कि आपने 5 मिनट में मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगेंगे, यहां से जस्ट आपने आगे टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है और आपने उसको सिलेक्ट करना, उसमें अपनी मर्जी से एडिटिंग करके तो कहना जी ओके आपका थंबनेल रेडी है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि जरा सी भी स्किल नहीं रखते। फिर जैसे ही आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे कैनवा को यूज करना आप समझ जाएंगे पूरी इसके एक एक फंक्शन को, वो प्रैक्टिस करने से आप समझेंगे तो उसके बाद आप टेम्पलेट के बिना भी यहां पर अपनी मर्जी से डिजाइनिंग कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आपको आइडिया होगा कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे इस चीज के लिए ये वाली चीजें हैं वो मुझे कहाँ से मिलेंगी, तो आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग इसको जल्दी सीख जाएंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी कैनवा को नहीं जानते और अभी से वो काम शुरू करके कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि वो इस प्रोसीजर को फॉलो करके तो आराम से अर्निंग उसकी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सारी वीडियोज कैनवा के हवाले से और बाकी प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी चैनल पे जरूर मिलेंगे।